पिछले वीडियो में हमने क्लासिकल सेट थ्योरी का ओवरव्यू जाना था और क्लासिकल सेट थ्योरी से हम वेगनेस की तरफ गए थे, जहां मैंने फजी सेट थ्योरी का ओवरव्यू दिया था और रफ सेट थ्योरी का ओवरव्यू दिया था, जहां मैंने डेफिनेशन बताया था, कंसेप्ट थोड़ा बहुत बताया था और अप्रोक्सीमेशन स्पेस का ओवरव्यू दिया था। इस वीडियो में मैं अप्रोक्सीमेशन स्पेस से रिलेटेड कंसेप्ट बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि यू क्या है। यू है आपका सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर इसको आप यूनिवर्स भी कह सकते हैं। और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बुक्स का एक एग्जांपल लेके बताया था, जो कैटेगरी मैंने बताई थी, वो आपका सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। फिक्शन, नॉन फिक्शन, एडवेंचरस, ये सब आप बुक्स के कैटेगरी है, वो आपके सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए। और यूनिवर्स है, लेकिन यूनिवर्स तो इनफिनाइट हो सकता है, लेकिन हम जो अप्रोक्सीमेशन स्पेस की बात करते हैं, तब हम लोग यूनिवर्स को फाइनाइट मानते हैं, और नॉन एम्प्टी होती है, यानी कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो यूनिवर्स में हम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है टर्म आर, आर यानी कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। जैसे मैंने बताया कि आपके पास कैटेगरी मिल गए, अब कैटेगरी तो आपको मिल गए हैं, आपके पास कैटेगरी आ गए, लेकिन आपको ये नहीं पता है किस क्या ऑथर है, क्या कंटेक्स्ट है, वो आपको नहीं पता है। बस आपको बता दिया गया कि ये फिक्शन बुक है बस, लेकिन उसको ऑथर कौन है, उसने क्या स्टोरी लिखी है, किस तरह उसने स्टोरी लिखी है, वो आप नहीं जानते। और मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम इसको बाइनरी रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बाइनरी रिलेशन से। और अगर आपने सेट का डेफिनेशन, रिलेशन का डेफिनेशन अगर मतलब स्कूल या कॉलेज लेवल में पढ़ा होगा, तो इसमें यही इस तरह डिफाइन करते हैं हम लोग कि जस्ट सबसेट ऑफ कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि हमने यहाँ बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ दो बार मतलब दो सेट लेके उसका फिर ऑर्डर पेयर निकालेंगे और उसका फिर हम सबसेट लेते हैं, वो रिलेशन हो जाता है। तो और अप्रोक्सीमेशन स्पेस क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ यूनिवर्स एंड रिलेशन। अब आगे, अब बाइनरी रिलेशन लिया है, अब यही मैं इसको आपको दूसरे एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये पहला वाला एग्जांपल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं दूसरे एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लो कोई सेट यू, यानी कि जो यूनिवर्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो कह रहा हूँ कि ह्यूमन के फीचर्स है, ह्यूमन पर्सनैलिटी के फीचर्स है, और आर मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्यूटी आप फीचर है, अब उसको डिफाइन करिए। तो आप ब्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे? ब्यूटी भी दो तरह की ब्यूटी हो गई, अंदरी ब्यूटी और बाहर की ब्यूटी। बाहर मतलब जो शारीरिक ब्यूटी है, और एक अंदर जो शरीर के अंदर की जो ब्यूटी है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे, वही इसलिए तो लैक ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा ब्यूटी लेना है। और फिर ब्यूटी का किसके रिलेटिव आप ब्यूटी ले रहे हैं, वो भी आपको नहीं पता है। मान किसी के रिलेटिव आप ब्यूटी ले रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में ब्यूटी ले रहे हैं, तब आप कह सकते हैं हमारे पास नॉलेज है कि इसके रिलेटिव लेना है। लेकिन आपके पास खाली बोल दिया गया कि आप ब्यूटी है, आपको बस अब उसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो इस तरह से आर जो है लैक ऑफ नॉलेज बता रहा है, और इसी को हम लोग स्टडी करते हैं रफ सेट थ्योरी। अब आगे देखते हैं। देखो मैंने बताया था कि अगर बाइनरी
मतलब बाइनरी रिलेशन। और पिछले वीडियो में मैंने यह बताया था कि रफ सेट थ्योरी पॉलक द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पॉलक ने क्या अजम्पशन लेके अजम्पशन लिया था कि आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब उसका अजम्पशन इक्विवेलेंस रिलेशन पे था, लेकिन बाद में मैथमेटिशियन ने इक्विवेलेंस रिलेशन के अलावा भी और भी बाइनरी रिलेशन पे काम किया है, जैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक जो टॉलरेंस रिलेशन होता है उस पर भी काम किया हुआ है। तो अगर उस टाइप का रिलेशन है, मतलब कोई भी बाइनरी रिलेशन है जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन भी शामिल हो सकता है, तो उसे कहते हैं हम जनरलाइज्ड अप्रोक्सीमेशन स्पेस। और पॉलक ने जो डेफिनेशन दिया था वो इक्विवेलेंस रिलेशन के हिसाब से दिया था, इसीलिए उसका नाम है पॉलक अप्रोक्सीमेशन। तो मैं और आने वाले वीडियोस पे हम पॉलक अप्रोक्सीमेशन स्पेस का कंसेप्ट लेके चलेंगे, यानी कि हम जो आर मानेंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? जो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहे तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ये तुम्हारा है हो गया सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको तुम मैप कर रहे हो पावर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया तुम्हारा पावर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस तरह हम लोग क्यों मैप करते हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि हम वो ऑब्जेक्ट लेंगे या तो नहीं लेंगे, मतलब उस सेट में हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो हर सेट के एलिमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन है, इसीलिए हम ये जो पावर सेट बन रहा है, इसीलिए हमारा ये टू पावर यूनिवर्स, टू पावर यू ले रहे हैं। तो ये आइडिया हमें समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इक्विवेलेंस क्लास की तरफ। इक्विवेलेंस क्लास क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई एलिमेंट लेते हैं और उसको फिर हम पार्टीशन करने की, उसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं क्लास के बेस। जैसे मतलब पहले मैं मैथमेटिकली डिफाइन करता हूँ कैसे होता है। तो ये इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन R is defined as y, मतलब कि कोई मेरा एक एलिमेंट है यूनिवर्स में से, कोई एक मैंने एलिमेंट उठाया, ठीक है, such that x is related to y, ये मेरा हो गया, ये जो है ये इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन हो गया। जो भी हम लेते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन लेते हैं, और कोई भी मतलब जैसे मैंने कोई y एलिमेंट लिया, कोई भी सेट में से कोई y एलिमेंट उठाया, उसको हम x के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे और वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। पहली बात वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, और फिर जो हम एलिमेंट उठा रहे हैं उसको हम कंपेयर करते हैं कि या x का जो एलिमेंट है वो y के एलिमेंट से मैच खाता है, मतलब वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर है तभी हम उसको एक एक ग्रुप में लेंगे, इसीलिए हम उसको कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास तो हमने समझ लिया है, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास से हम पार्टीशनिंग की तरफ अब बढ़ रहे हैं। पार्टीशनिंग कब कर सकते हैं या कब होता है? जब सेम क्लास वाले एक साथ हो तब कहते हैं हम लोग पार्टीशनिंग होता है, पार्टीशन। तो पहला एक कर्व है क्वोशेंट ऑफ सेट, क्वोशेंट ऑफ सेट यानी कि क्वोशेंट ऑफ सेट यानी कि एक सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास इज दिस
सेट, ये हो गया तुम्हारा आपका सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास। मान ली कि रिलेशन के टर्म्स में ही बता रहा हूं कि जैसे एक्स एलिमेंट लिया तो उसके टर्म्स में आपको एक क्लास मिला, वैसे आपने दूसरा एलिमेंट जेड लिया तो उसका आपको दूसरा क्लास मिला, तो वैसे ही आपका एक सेट बनेगा, तो ये आपका क्वोशेंट सेट हो जाएगा, तो सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए, और इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यू बाय आर, मतलब ये वाला समझिए कि आप रिलेशन, आप एक सेट को, यूनिवर्स का जो सेट है उसको आप रिलेशन के टर्म्स में, इक्विवेलेंस रिलेशन के टर्म्स में आप सेपरेट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्वोशेंट सेट। हम लोग इक्विवेलेंस क्लास और क्वोशेंट सेट क्यों पढ़ रहे हैं, रफ सेट के लिए, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उससे हम कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास खाली डेटा है लेकिन हम वो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे कर पा रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम वो डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे हिस्से में बांट रहे हैं ताकि हम वो उसको अच्छे से समझ सके, जो डेटा है उससे हम कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाए और उसको हम समझ सके और इसको जनरलाइज कर पाए, तो इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन सेट को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर और फॉर्मली देखा जाए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर सच दैट जो एलिमेंट है हमने, मतलब जो एलिमेंट पिक किया है इक्विवेलेंस क्लास में से, जो एलिमेंट पिक किया है वो इस रिलेशन को फॉलो करे। ठीक है, तो ये आपका क्वोशेंट सेट हो गया। क्वोशेंट सेट से हम लोग पार्टीशनिंग करते हैं, ये जो कंसेप्ट है ये पार्टीशनिंग की तरफ लीड कर रहा है। पार्टीशनिंग क्या होता है कि आपका जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको हम लोग डिसजॉइंट, मतलब कि इसका जो इंटरसेक्शन है, जो भी मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास इज फाइव, ये होता है पार्टीशनिंग का कंसेप्ट। ठीक है, और इसका अगर हम लोग यूनियन ले, इसका अगर यूनियन ले, यूनियन ऑफ ये, अगर ये यूनिवर्स सेट देता है यानी कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स देता है और ऑल भी है आपके रिलेशन के, मान लीजिए आपके के रिलेशन है तो के सबका यूनियन ले लेते हैं, अगर वो यूनिवर्स सेट देता है और ये कंडीशन फॉलो करता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू फाइव, तो ये जो कंसेप्ट है ये आपका पार्टीशनिंग वाला कंसेप्ट। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन स्पेस के दो ऑपरेटर है, अप्रोक्सीमेशन स्पेस के दो ऑपरेटर है, लोअर अप्रोक्सीमेशन और एक अपर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लोअर अप्रोक्सीमेशन और एक अपर अप्रोक्सीमेशन, ये दो ऑपरेटर है जो आपके इक्विवेलेंस क्लास पे काम करते हैं। तो पहले हम ये जो कंसेप्ट है लोअर और अपर अप्रोक्सीमेशन का वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हो कि तुम कहते हो कि ये पर्सन नॉलेजेबल नहीं है, तो नॉलेजेबल नहीं तुम किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हो, तुम कोई पर्सन के रिस्पेक्ट में कहते हो, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव तुम कहते हो कि ये पर्सन नॉलेजेबल नहीं है या है, तो बाद में तुम कहते हो कि नॉलेजेबल है तो लेकिन वो इसके और इसके बीच में, मतलब वो ज्यादा नॉलेजेबल भी नहीं है और कम नॉलेजेबल भी नहीं है, मतलब वो तुम्हें आइडिया, मतलब रफ आइडिया लगा रहे हो कि
वो इस पर्सन के रिलेटिव वो ज्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन दूसरे पर्सन के रिलेटिव वो कम नॉलेजेबल। अगर पिछला वाला एग्जाम्पल क्लियर नहीं है तो मैं एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने अभी बोर्ड का परीक्षा दिया है और आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि आप कितना, तुम कितना स्कोर करोगे, तो आप लोग जवाब देते हैं 95 से 97%। तो अगर मान लीजिए कि आपका रिजल्ट निकला और 97 से आपका ज्यादा आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 95 से कम आया, मान लीजिए 93 आ गया, तो फिर आप लोग सोचेंगे हाँ कुछ कहीं ना कहीं आपका अजम्पशन में कुछ गड़बड़ था या कोई पैरामीटर आपने मिस कर दिया जिसके कारण इतना कम स्कोर आ रहा है। तो यही कंसेप्ट हम लोग डेटा के लिए भी अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या पहले कुछ अजम्पशन ले, क्योंकि देखिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। जैसे मैंने ब्यूटी का एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में, उसमें मैंने कोई रेटिंग बताया था, लेकिन जो रेटिंग मैं दे रहा हूँ वो किसी के रिलेटिव दे रहा हूँ, कोई पर्सन के रिलेटिव। मेरे दिमाग में ये पर्सन है वो जो सबसे ब्यूटीफुल है, उसका रेटिंग मेरा 1 है, उसके हिसाब से मैं रेटिंग दे रहा हूँ 0.5, 0.6 या 0.7 जो भी मैं रेटिंग दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ऐसे बहुत लोगों ने डेटा दिया, तो जो 0.3 मान लीजिए कि सबसे लोएस्ट है, ठीक है, 0.3 सबसे लोएस्ट रहा है, मतलब जितना भी रेटिंग दिया उसमें से 0.3 सबसे लोएस्ट है और 0.85 मान लीजिए कि हाईएस्ट है, ठीक है। जो 0.3 सबसे लोएस्ट है मतलब 0.7 तक देना था, लेकिन लोगों ने 0 नहीं दिया है, 0.3 दिया है, तो 0.3 मतलब 0 से बड़ा है लेकिन 0.85 से छोटा है और 1 से छोटा है, तो ये आपका है लोअर अप्रोक्सीमेशन। ये जो वैल्यू हो गया मतलब लोअर अप्रोक्सीमेशन माना जाएगा, क्योंकि इससे कम आपको कोई डेटा है ही नहीं, तो ये आपका लोअर अप्रोक्सीमेशन होगा। मतलब पहले आपने फिल किया तो पहले 10 लोगों में मान लीजिए कि 0.5 आया, 0.5, 0.7, 0.8 तक आया मान लीजिए, फिर आपने 10 का और काउंट किया तब आपको पता चला 0.35 है किसी का, 0.33 दिया है किसी ने 0.32 दिया है किसी ने, और हाईएस्ट में 0.8, 0.6 ऐसे तक दिया है। जब आपने जब सब डेटा का चेक किया तो सबसे लोएस्ट 0.3 मिला, तो 0.3 से लोएस्ट मिला नहीं, तो पहले आपने जब टॉप 10 का चेक किया था तो आपका स्केल क्या था, 0.4 से लेके 0.8 तक। फिर आप जैसे जैसे आपका डेटा आते गए आपका स्केल बढ़ते गया, तो फिर आपने देखा कि 0.3 से कम नहीं है और 0.85 से ज्यादा नहीं है, तो 0.3 आपका भी लोअर अप्रोक्सीमेशन हो गया। मतलब आप करते 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 आप 0.3 तक फाइनल पहुंच गए, तो 0.3 आपका लोअर अप्रोक्सीमेशन हो गया और 0.85 आपका अपर अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है। यह तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया।